स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षा के मसीहा गोपाल कृष्ण पुराणिक की जन्म जयंती मनाई। पाठ्यपुस्तक निगम के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक प्रहलाद भारती सहित आदर्श सेवा संघ के सदस्यों ने माला पहनाकर मनाया जन्मदिन। पूरी आदर्श सेवा संघ के संस्थापक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गोपाल कृष्ण पुराणिक जी का जन्म पोहरी क्षेत्र के ग्राम चर्च में 9 जुलाई 1900 को हुआ था। पंडित जी ने आदर्श स्कूल की स्थापना 12 जनवरी 1921 को एवं आदर्श सेवा संघ का निर्माण किया। इसके अलावा छात्रों को किताबी शिक्षा के अलावा खादी ग्राम उद्योग के निर्माण के साथ हाथ करदा सूत का निर्माण, माचिस बनाना, कागज बनाना जैसे आत्मनिर्भर योजना चलाई। पोहरी से संघ मुख्यालय पर ग्राम कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र चलाया। इसके अलावा सफाई योजना, पर्यावरण बचाने के लिए वृक्षारोपण करने, छात्रों को रुकने के लिए गुरुकुल छात्रावास बनाना, सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेकर दिल्ली के नरेला इलाके में भाषण देने पर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया। इस आदर्श विद्यालय स्कूल में भारत भर से ही नहीं, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल से आए छात्रों ने पढ़ाई की। वहीं पंडित रामप्रसाद बिस्मिल सहित चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों ने शिक्षक के रूप में रखकर पंडित जी ने उनकी सहायता की। वहीं ग्वालियर रियासत के जीवाजी राव सिंधिया ने रोजगार और शिक्षा के लिए 300 बीघा जमीन आदर्श सेवा के नाम दी। इस अवसर पर पाठ्य पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक प्रहलाद भारती सहित आदर्श सेवा संघ के महेंद्र उपाध्याय, विवेक पालीवाल, मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमिनी आदि अन्य लोग उपस्थित रहे। इस क्षेत्र को बहुत बड़ा संस्थान दें, राष्ट्रीय स्तर तक का संस्थान बनाने का उनका सपना था, वो वास्तव में अभी पूरा नहीं हो पाया है। उनके अनुयायियों ने भी काफ़ी कोशिश की एक कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पोहरी में बनाने की, उनका भी प्रयास असफल रहा, लेकिन एक महाविद्यालय जरूर उनके अनुयायियों ने यहाँ बनाया। आदर्श विद्यालय के साथ साथ उनके अनुयायियों ने एक महाविद्यालय की, जो आज महाविद्यालय हमारे पोहरी में स्थित है, उसमें पहले के कला संकाय हुआ करती थी, मेरे कार्यकाल में वहाँ साइंस की संघ और पीजी की क्लासेस प्रारंभ हुई हैं। बड़ा भवन भी वहाँ तैयार हुआ है, वहाँ समाधि स्थल है जहाँ पर अंत्येष्टि पंडित जी की गई थी, वहाँ पर भी उस समाधि स्थल को भी अच्छा करने का हमने प्रयास किया था।